नमस्कार, स्वागत है आपका जेएजे न्यूज वा। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। बद्रीनाथ हाईवे पर चटवा पीपल भूस्खलन जोन में एक लोड ट्रक फंस गया, जिसके चलते यहाँ हाईवे पर यातायात बंद हो गया था। बता दें, सुबह बंद हुआ हाईवे 10 बजे खुल गया, जहाँ पहाड़ी से भूस्खलन का मलबा पानी के साथ आ रहा है, जिससे यहाँ दलदल बना है। तो वहीं बीते शनिवार को भी यहाँ 3 घंटे हाईवे बंद रहा, जबकि रविवार सुबह भी मलबा आने के चलते यातायात 1 घंटे तक प्रभावित रहा। दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। तो वहीं रविवार को 8,287 श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए। अभी तक लगभग 9 लाख के लमसम श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। यही नहीं, बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बाधित होने के बावजूद श्रद्धालु का धाम में पहुंचने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद अब धाम में मौसम सुहावना हो गया है, ऐसे में श्रद्धालु प्राकृतिक सौंदर्य का भी लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं मौसम में सुधार होते ही केदारनाथ पैदल यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में रविवार को पैदल मार्ग से 8,460 यात्रियों ने केदारनाथ के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान 4,084 श्रद्धालु दर्शन कर लौट भी गए, जिससे सोनप्रयाग भूस्खलन जोन में SDRF के जवान ने यात्रियों को रास्ता पार कराया। साथ ही जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह जवार ने गौरीकुंड से लिंचोली तक पैदल मार्ग का जायजा लेते हुए यात्रियों से बातचीत भी की। बता दें, रविवार को सुबह से ही सोनप्रयाग में यात्रियों की भीड़ जुटने लगी थी। ऐसे में सुहावने मौसम के बीच सुबह 5 बजे से यात्रियों को धाम के लिए छोड़ा गया। तो वहीं सुबह 8 बजे तक 3,000 श्रद्धालुओं ने सोनप्रयाग में केदारनाथ के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान जिला आपदा प्रबंधक अधिकारी नंदन सिंह भी यात्रियों के साथ पैदल चलते हुए लिंचौली पहुंचे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जेजे न्यूज। धन्यवाद।